मिथ्स अबाउट साइज, साइज के बारे में गलत फहमिया, इसके बारे में मैं बातचीत करने वाला हूँ। ये बार बार हमें बातचीत करनी क्यों पड़ती है? क्योंकि बार बार लोग वही सवाल उठाते रहते हैं। आज ही मेरे पास में सवेरे एक फोन आया, काफी एजुकेटेड इंसान, मगर बोल रहा था कि मैं साइज के बारे में बहुत ही चिंतित हूँ। पिछले 2 साल से उम्र है 50 और ऐसा लग रहा है कि साइज मेरी कम कम होते जा रही है। मैंने काफी दवाइयां ली हुई है। और क्या होता है कि लोग जो रोड साइड डॉक्टर्स रहते हैं ना, जो अपनी झोपड़ी डाल के बैठते हैं, तंबू लगा के तंबू ठोक के बैठे, उनसे ज़्यादा बलि पड़ जाते हैं। उनको लगता है कि ये अच्छे कर देंगे। उनके पास में सांड का तेल, घोड़े का तेल, सुअर का तेल, अच्छे ऐसे ऐसे तेल रहते हैं और वो लगा के मालिश करके वो बड़ा हो जाएंगा, ऐसा उनको बताया जाता है और बहुत पैसे लूटे जाते हैं। तो ये व्यक्ति बोल रहा था कि मैंने उनसे काफ़ी दवा लिया, अभी तक 18,000 रुपये खर्चा किए और साइज तो बढ़ा ही नहीं, उल्टा उसमें एलर्जिक रैशेस आ गई, लाल लालपना आ गया और उसमें फिर और दूसरी दवाई वह उसको लेनी पड़ी। वो लालपना जो है, लाली आ गई थी, उसको निकालने के लिए। साइज के बारे में मैंने उसको पूछा कि भाई आप ऐसा करो, मुझे आप व्हाट्सएप पे फोटो बता दो, फोटो भेजो, मैं देख लूंगा साइज। अभी उसने फोटो भेजा तो मतलब ये तो नॉर्मल साइज है, 1 इंच से ज़्यादा कोई भी साइज रहो वो नॉर्मल है, उसमें क्या प्रॉब्लम है? नहीं नहीं बोले, वो तो हमारे दोस्तों की साइज बहुत बड़ी है, फिर पॉन देखते तो उसमें कितनी बड़ी बड़ी साइज रहती है, मेरे तो साइज अभी कम कम होते जा रही है। मतलब भाई कम कम वगैरह कुछ नहीं है। देखो क्या होता है कि उम्र में बच्चा जब आता है 14-15 साल की उम्र में, तब उसको सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक जरूर होना शुरू हो जाता है, टेस्टोस्टेरोन का सिक्रीशन ज़्यादा होता है और पेनिस का साइज जो है बढ़ने लगता है। अभी उस समय नॉर्मल इरेक्शंस भी आते रहते हैं, स्पॉन्टेनियस इरेक्टाइल कंडीशन आती रहती है, स्पॉन्टेनियस है, कोई लड़की देख के, कोई विचार करके ऐसे। तो दिन भर में ऐसा होता है कि कभी कभी काफ़ी स्पॉन्टेनियस इरेक्शंस आते रहते हैं, स्पॉन्टेनियसली पेनिस बड़ा होते रहता है, छोटा होते रहता है। तो ये चलता है 25-30 साल तक कि स्पॉन्टेनियस इरेक्शंस आ रहे हैं और उसमें फिर लोगों को क्या लगता है कि वो बड़ा है। अभी जैसा 30 साल की उम्र से आगे बढ़ जाते हैं, टेस्टोस्टेरोन के लेवल नेचुरली दिन ब दिन कम कम होते जाएंगे, टेंशंस दिमाग के ऊपर बहुत है, स्ट्रेसेस बहुत है, तनाव बहुत है, नेचुरली उसमें दिमाग है, सेक्स में दिमाग कम होता है, तो फिर नेचुरली इरेक्शंस कम हो जाते हैं, स्पॉन्टेनियस इरेक्शंस, और उसमें फिर वो छोटा ही दिखते रहता है। होता क्या है कि 40 साल की उम्र में काफ़ी सारा फैट भी जमा हो जाता है और वो फैट में पेनिस दब जाता है अंदर अंदर के बाजू, ऊपर से जब देखा जाए तो फैट दिखता है और पेनिस वो छोटा दिखता है, बोलता है कि छोटा हो गया, तो एक वो भी कारण रहता है। दूसरा टेस्टोस्टेरोन लेवल्स कम होती है जैसी उम्र बढ़ती जाती है। अब टेस्टोस्टेरोन लेवल समझो कम हो गई है तो नेचुरली ऑर्गन की साइज भी पहले से कम हो जाएंगे थोड़े से, भले कम नहीं है। और इरेक्शंस कम हो गए तो क्या होता है, इरेक्शंस कम हो गए तो पेशाब की धार जो है वो बाहर में जाते हुए नीचे गिरती है और उसमें भी आदमी परेशान हो जाता है कि धार बहुत ही नीचे गिर रही है, पैर के ऊपर आ रही है और बहुत ही छोटा हो गया है। तो ये सारी जो बातें हैं वो चिंतित करने वाली होती है, इसमें चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। साइज जो है वो 1 इंच से बड़ा हो गया तो बस ठीक है, 1 इंच से बड़ा है ना कोई प्रॉब्लम नहीं है। यंग भी आपकी उम्र है, जवान है, तभी भी 1 इंच से कम नहीं होना चाहिए। क्यों ऐसा? क्योंकि वजाना जो है, योनि जो है औरत की, तो योनि समझो 6-7 इंच की है, टोटल जो लंबाई है योनि की वो 6-7 इंच है। उसमें बाहरी हिस्सा जो है योनि का 1/3 वो ही सेंसिटिव रहता है, उसमें टच हो गया तो मालूम पड़ता है कि टच हुआ, सेंसेशन उसमें है। तो क्या होता है कि समझो आपका 6 इंच भी लंबा है और औरत को पूछा कि भाई कितना लंबा है, कितना लग रहा है आपको, तो बोलेंगे बस 1-1.5 इंच लग रहा है, क्योंकि उसको सेंसेशन अंदर नहीं है कितना भी अंदर गया। तभी 4 इंच है पूछा कितना है, बोलेंगे 1.5 इंच है, और 1.5 इंच है पूछा तो बोलेंगे 1.5 इंच है। तो लंबाई और औरत का सेटिस्फैक्शन इसका कोई संबंध नहीं है। औरत का सेटिस्फैक्शन 1.5 इंच भी रहा तभी हो जाएगा, और औरत का सेटिस्फैक्शन ज़्यादा क्लाइटोरल स्टिमुलेशन में होता है, क्लाइटोरिस का स्टिमुलेशन करते उसमें होता है, ज़्यादा स्टिमुलेशन ज़्यादा सेटिस्फैक्शन। तो औरत के सेटिस्फैक्शन के ऊपर मत जाओ। हो सकता है कि औरतें अपने फ्रेंड्स को पूछती रहती है, उनसे कुछ ना कुछ सलाह लेती रहती है, वो भी पॉर्न मूवीज देखती है और फिर उनकी एक्सपेक्टेशन रहती है कि नहीं साइज इतना होना चाहिए। तो इसमें एजुकेशन होना बहुत जरूरी है। पॉर्न मूवी में जो काम करते हैं वो कलाकार लोग रहते हैं, वो स्पेशली चुने जाते हैं कि जिनका लिंग बहुत लंबा है, और हो सकता है कि मतलब स्टैटिस्टिक्स के अनुसार 100 में 4 से 6 लोगों का इंच जो है, लिंग जो है वो 4 से 6 लोगों का इंच बहुत बड़ा रहता है, 6-7 इंच 8 इंच भी रह सकता है, तो वो लोगों को लिया जाता है और फिर उसमें लोगों को लगता है कि इतना नॉर्मल साइज, वो नॉर्मल नहीं, वो एबनॉर्मल साइज है। एक्चुअली यदि इरेक्शन के बाद में 7 इंच हो गया लंबा पेनिस तो अंदर तकलीफ देगा, अंदर वो हड्डी को लगेगा, तो इतना लंबा भी नहीं होना चाहिए। और पॉन देखे तो बिल्कुल ही अपनी अपेक्षा बढ़ाना नहीं चाहिए, पॉन ये नॉर्मल नहीं है, ये एबनॉर्मल है।
लोगों का मतलब लोगों का दिमाग बैठ जाता है उसमें कि नहीं भाई पॉन में ऐसा बताया कि आधा आधा घंटा चलता है, 7 इंच 8 इंच रहता है, तो ऐसा नहीं है। तो बस मुझे इतना ही बताना है कि 1 इंच से कम नहीं होना चाहिए। यंग उम्र जवान जब है तो स्पॉन्टेनियस इरेक्शन से ऐसा लगता है कि वो बड़ा है, अदरवाइज बड़ा नहीं रहता है। और हस्तमैथुन से मास्टर्बेशन से छोटा होता नहीं है, दुबला होता नहीं है, पतला होता नहीं है, टेढ़ा होता नहीं है, कुछ नहीं होता है। टेढ़ा 10 डिग्री 20 डिग्री का टेढ़ा है, थोड़ा सा ऐसा इतना टेढ़ा है तो चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एकदम ही ऐसा टेढ़ा नहीं होने को होना, ऐसा बेंड नहीं होने को होना, इतना बेंड है तो अंदर जाएगा नहीं, तो उसके लिए ऑपरेशन करना पड़ेगा और ऑपरेशन करके वो ठीक हो सकता है। अदरवाइज थोड़ा टेढ़ा है तो कुछ फर्क पड़ता नहीं है, थोड़ा केले जैसा टेढ़ा भी हो सकता है, जितना केला होता है ना बेंड उतना भी हो सकता है और अंदर जा सकता है, कोई प्रॉब्लम उसमें होता नहीं। तो ये सारी गलत फहमियाँ हमें निकालना चाहिए। जो वैदू लोग हैं, जो एडवर्टाइजमेंट्स आती है, पोस्टर्स लगे रहते हैं, टॉयलेट पब्लिक टॉयलेट्स में रहते हैं पोस्टर्स लगे हुए, तो उनके एडवर्टाइजमेंट को बलि नहीं पड़ना चाहिए। आपको दवाई लेनी है तो क्वालिफाइड डॉक्टर से दवाई ले लो, आपके सेक्सोलॉजिस्ट को कंसल्ट करो और बाद में कंसल्ट करने के बाद में ही दवा लेना है। आपको कुछ लगा तो कभी भी नीचे नंबर दिए उसके ऊपर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको अच्छा लगा तो जरूर लोगों को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।